अभी जो लव कुश समीकरण की आप बात कर रहे थे, यहाँ के कुशवाहा समाज के लोग इंतजार कर रहे थे, टकटकी निगाह से देख रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की तरफ कि आप आइए जदयू में शामिल होइए, और बहुत समय दूर नहीं हो सकता है कि यहाँ की बागडोर इनके हाथों में आएगी। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी अपने बलबूते चुनाव लड़े थे, उनको कुशवाहा समाज ने साथ नहीं दिया, क्या उनको आ जाने से जदयू में क्या आप साथ मिलेगा? ऐसा आप नकार नहीं सकते हैं कि कुशवाहा समाज ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मिनट ये कहना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव में करारी हार, विधानसभा में करारी हार, अगर कुशवाहा के बड़े नेता थे तो उनको एक भी सीट क्यों नहीं आया? विधानसभा में मैं मानता हूँ कि उनको सीट नहीं आया, लेकिन आप जो है आप आंकड़ा देखिए, 4.5% जो वोट आए हैं, दक्षिण बिहार में समाज के मैक्सिमम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जदयू में विलय हुए हैं, तब से बिहार में सियासत गर्म हो चुकी है। सियासत गर्म क्यों ना हो, अब उपेंद्र कुशवाहा जी 8 साल के बाद जदयू के जो हो गए हैं, जदयू में जाना क्या इशारा करती है? एक तरफ जहां बिहार में लव कुश समीकरण कमजोर पड़ रहा था, उपेंद्र कुशवाहा जी के जदयू में आ जाने से क्या लव कुश समीकरण ठीक हो पाएंगे? इसी तमाम मुद्दे को लेकर अभी हमारे खास बातचीत के कार्यक्रम में साथ हैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी बिगुल फूंकने वाले और मौजूदा जदयू के नेता हो गए हैं प्रशांत कुमार पंकज जी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारी घर वापसी हुई है, और निसंदेह इनके मिलने से बिहार की राजनीति एक नया करवट लेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे गार्जियन रहे हैं, हमेशा उनका दिशा निर्देश हमें मिलता रहा है, उनके नेतृत्व में उनके हाथ को उपेंद्र कुशवाहा जी मजबूत करेंगे और बिहार के विकास के लिए जो कदम है हर कदम उठाएंगे। एक समय आपकी पार्टी रालोसपा नीतीश कुमार जी के कट्टर विरोधी थे और अब साथ में आ गए हैं, तो अब आपकी राजनीति किस तरह से होगी? देखिए, ये तो राजनीति का पार्ट है, जो कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं कभी साथ भी आते हैं, ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं है। अभी समय की मांग है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हर हालत में मुख्यमंत्री जी के साथ आना था, इनके हाथों को मजबूत करना था, यही वक्त की मांग है। यहाँ का जो अभी जो लव कुश समीकरण की आप बात कर रहे थे, यहाँ के कुशवाहा समाज के लोग इंतजार कर रहे थे, टकटकी निगाह से देख रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की तरफ कि आप आइए जदयू में शामिल होइए, और बहुत समय दूर नहीं हो सकता है कि यहाँ की बागडोर इनके हाथों में आएगी। ऐसा माना जा रहा था कि बिहार के सियासत में कुशवाहा को दरकिनार कर दिया गया था, अब क्या लग रहा है? जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी का लगभग 8 साल के बाद घर वापसी हुई है, क्या बिहार के सियासत में उनकी जगह मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेगी। मैंने तो पहले ही कहा कि पूरा कुशवाहा समाज पूरा टकटकी निगाह से देख रहा है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ, और माननीय हमारे अभिभावक हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ। कल नीतीश कुमार जी ने ऐलान भी किया कि संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाया गया है, अहम जिम्मेवारी दी गई है, और हमें पूरा विश्वास है यहाँ के एक एक मजबूत कार्यकर्ताओं को ये यहाँ पे संगठन में शामिल करेंगे और वो लड़ाने का कोशिश करेंगे, और जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी सभी उसका निर्वहन करेंगे। जिस तरह से आपने भी कहा, कुशवाहा समाज टकटकी निगाह से आस में बैठे हुए थे कि कुशवाहा को शामिल किया जाए, जदयू में शामिल किया जाए, क्या लगता है? जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी अपने बलबूते चुनाव लड़े थे, उनको कुशवाहा समाज ने साथ नहीं दिया, क्या उनको आ जाने से जदयू में क्या साथ मिलेगा? ऐसा आप नकार नहीं सकते हैं कि कुशवाहा समाज ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक मिनट ये कहना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव में करारी हार, विधानसभा में करारी हार, अगर कुशवाहा के बड़े नेता थे तो उनको एक भी सीट क्यों नहीं आया? विधानसभा में मैं मानता हूँ कि उनको सीट नहीं आया, लेकिन आप जो है आप आंकड़ा देखिए, 4.5% जो वोट आए हैं, दक्षिण बिहार में समाज के मैक्सिमम लोग
उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे। ठीक है, उत्तर बिहार में हमें जो उम्मीद थी उससे कम हमें वोट मिला है, लेकिन वोट इनको आया और इसी वोट का नतीजा है कि अभी सारी पार्टियां, बड़े बड़े नेता इनको चाह रहे थे कि अपने पक्ष में करें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ सही निर्णय लिया है यहाँ की जनता को देखते हुए, बिहार के विकास के लिए, बिहार में स्थायित्व के लिए इन्होंने जो निर्णय किया है सही निर्णय लिया है। जैसा कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी छोटे भाई के रोल में जदयू में काम करेंगे, लेकिन सवाल हमारा आपसे यह है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि जदयू को हम नंबर वन पार्टी बनाएंगे, क्या लगता है आपको? जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव हुए और नीतीश कुमार जी को जितना सीट आना चाहिए उतना सीट नहीं आया, और आज के तारीख में वो छोटे भाई के रोल में है, इस चुनाव से पहले वो बड़े भाई के रोल में थे, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से के बाद आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार जी का जो जिस तरह से इनका छोटा भाई का जो रोल निभाया जा रहा है वो क्या बड़े भाई का रोल कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक था कि जदयू एक समय में नंबर वन पार्टी थी, 119 सीटों से घट करके अभी 43 सीटों पर आ गई, तो अभी समय की मांग थी कि भाई कुशवाहा समाज को एकजुट करके एक लवकुश एक समीकरण बनाया जाए, दोनों समाज के लोगों को एक साथ लाया जाए, उन्हीं का प्रयास जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, और हम समझते हैं कि दोनों आदमी के मिलने के बाद यहाँ का लवकुश समीकरण पूरा एकजुट होगा, समाज के लोग जो बिखरे थे, जो पिछले चुनाव में यहाँ वहाँ चले गए थे, सभी लोग एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे, एक साथ आएंगे, और वो समय दूर नहीं जब फिर से जदयू बिहार की नंबर वन पार्टी बनेगी। प्रशांत कुमार पंकज जी, आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगी है तो शेयर करें, हम फिर मिलेंगे इसी तरह की खबर के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।